रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज दोस्तों हमारा CSS 3 का लेक्चर नंबर 43 है, जिसमें हम एनिमेशन इफेक्ट स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ट्रांजिशन इफेक्ट सीखे थे, कस्टमाइज भी और बिल्ड इन भी। आज हम एनिमेशन इफेक्ट सीखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट को दो तरह से क्रिएट करना सिखाऊंगा। ओके, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट तरह का अपना जहन लगा के आप अच्छे से अच्छी एनिमेशन इफेक्ट लगाएंगे। ओके, मैं सिर्फ आपको इसकी बेसिक तमाम चीज़ें सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डिव लिया और इस डिव को मैं यहाँ पे स्टाइल करने के लिए क्लास दूंगा txt text। ओके, देन इसके अंदर मैं एक स्पैन टैग ले लेता हूँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ वेलकम टू। ओके, और इस स्पैन टैग को स्टाइल करने के लिए मैं इसे क्लास दे देता हूँ txt text1। ओके, कि ये मेरा text1 है। देन इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ text2, कि ये मेरा सेकंड टेक्स्ट है। ओके, और यहाँ पे टेक्स्ट को कुछ और लिख लेता हूँ, जैसे खिजर शहाल टेक्निकल। ठीक है, वेलकम टू खिजर शहाल टेक्निकल। तो ये मैंने जो है लिख लिया टेक्स्ट। ठीक है, अगर मैं आपको अभी फ़िलहाल ये दिखाऊं तो ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश और ये देखें, ये अब कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वेलकम टू खिजर शहाल टेक्निकल। ठीक है, असल में ये बेसिकली एक डिव है और उस डिव के अंदर ये दो स्पैन टैग हैं। एक स्पैन टैग में वेलकम टू लिखा हुआ है और दूसरे में खिजर शहाल टेक्निकल लिखा है हमने। मैं इसे वापस ले जाता हूँ। ठीक है, ओके, देन अब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं, क्योंकि सारा कमाल CSS का होता है। HTML सिर्फ जस्ट आप एक स्ट्रक्चर तैयार करते हो। अब हम चलते हैं स्टाइल शीट पे और सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल ऑपरेटर सेलेक्टर यूज़ किया, जिसके अंदर मैंने पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट और मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट 0.0 कर दिया। देन बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दी। देन हम सबसे पहले मुझे ये करना है कि जो मेरी बॉडी है उस बॉडी का जो बैकग्राउंड का कलर है वो मुझे चेंज करना है। तो मैंने बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कर दिया। और बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी बॉडी के अंदर जितना भी फ़ॉन्ट है, मैं चाहता हूँ पूरे जितना भी फ़ॉन्ट है पूरे बॉडी के अंदर सबका जो फैमिली है वो सीरीफ हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं यहाँ पे इसे आपको दिखा भी देता हूँ, ये रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें, ये भी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये कलर ब्लैक हो चुका है। ठीक है, तो बैक एंड पे असल में वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली भी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक और काम भी करता हूँ, वो ये कि मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस में दे देता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, कि जितना भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस के अंदर आ जाए। ठीक है, तो आई होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देन अब मैं चाहता हूँ जो अब मैं स्टाइलिंग करूँगा किसकी, अपने इस डिव की। ओके, तो इस डिव को मैंने क्लास दिया है टेक्स्ट। तो यहाँ मैं कहता हूँ डॉट, आपको पता हम क्लास को एक्सेस करने के लिए डॉट लगाते हैं। तो मैंने कहा डॉट जो मेरी टेक्स्ट डिव है उसको सबसे पहले मैं उसे विड्थ सेट करूँगा उसकी। तो विड्थ मैंने सेट की फॉर एग्जाम्पल 800 पिक्सल। ठीक है, और ये सेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिड में सेंटर में ले जाने के लिए इसे पोजीशन दूंगा। तो आपको पता है हम पोजीशन देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, देन उसके बाद टॉप से मुझे कितनी मीन एब्सोल्यूट देने के बाद ये कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे अब मिड में लाने के लिए हमें टॉप से और लेफ्ट से मीन दो तरफ से हमें बताना पड़ता है अपना वैल्यू, या टॉप से लेफ्ट राइट से, मीन टॉप लेफ्ट या राइट, इन दोनों में से कोई एक आप ले लें, लेफ्ट राइट में से या और टॉप और बॉटम में से कोई एक ले लें। ओके, तो चारों में से आपको दो चूज़ करने होते हैं। ठीक है, तो टॉप मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल मुझे चूँकि सेंटर में बिल्कुल लेके जाना, तो मैं 50% टॉप से फासल दे देता हूँ और लेफ्ट से भी मैं 50% दे देता हूँ। ठीक है, देन आप ये देखें, ये अगर मैं अभी अब कुछ नज़र नहीं आएगा, कुछ नज़र इसलिए लेकिन आपको ये स्क्रॉल बार नज़र आनी शुरू हो गई है, उसकी वजह ये है ये सेंटर में नहीं आया बल्कि सेंटर से थोड़ा आगे आगे की तरफ चला गया। इसे बिल्कुल अब सेंटर में लाने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। ओके, ट्रांसलेट प्रॉपर्टी, तो ट्रांसलेट के अंदर हमने टॉप से और बॉटम से मीन एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से जितना फासला दिया होता है उससे अगर हमें बिल्कुल उसे अलाइन सेंटर में अलाइन करना हो तो हम एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से -50% फासला दे देते हैं।
वैल्यू सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे भी -50% सेट कर देता हूँ, -50। इससे ये होगा कि ये बिल्कुल सेंटर में चला जाएगा। तो ये देख, मैं ये रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें आप, स्क्रॉल बार का वो आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, देन मैं चाहता हूँ जो मेरा यहाँ पे टेक्स्ट है, अच्छा इस डिव के अंदर जितना भी टेक्स्ट मैं चाहता हूँ उसका कलर वाइट हो जाए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी जितना भी तुम्हारे अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर के कर दो वाइट सेट कर दो। ठीक है, वाइट कलर सेट करने के बाद, ठीक है ये देखना ज़रा, रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें आपका कलर वाइट सेट हो चुका है। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ ये जो डिव के अंदर जितना भी टेक्स्ट है ये सेंटर में आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो मैंने कहा डिव के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसे अलाइन कर दो कहाँ पर, सेंटर में। ठीक है, ये सेंटर में हमने अलाइन कर दिया, इसे रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए आपका टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में चला गया। सेंटर में जाने के बाद अब मुझे इसकी स्टाइलिंग करनी है अपने टेक्स्ट वन की और टेक्स्ट टू की। तो यहाँ मैं आता हूँ, मैंने कहा डॉट जो मेरा टेक्स्ट क्लास है उसके अंदर जो डॉट जो मेरी टेक्स्ट वन नाम की क्लास है सबसे पहले उसे स्टाइल करो। उसे स्टाइल क्या करना है, मैंने कहा उसका जो फॉन्ट साइज है वो सेट कर दो, फॉर एग्जाम्पल 60 पिक्सल। ठीक है, 60 पिक्सल अच्छा लगेगा ज़रा। ठीक है, 60 पिक्सल, सॉरी यहाँ पे आना था फॉन्ट साइज SIZE साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल। ठीक है, देन उसके बाद मैं जाता हूँ इसको डिस्प्ले ब्लॉक इसलिए ताकि वो जो टेक्स्ट टू है ना मेरा, क्योंकि आपको पता है हम जिसको डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं वो आपकी जितनी विर्थ होती है, मीन पेरेंट की जितनी विर्थ होती है उतनी विर्थ बाई डिफॉल्ट वो अपने आप को दे सेट कर देता है। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ, मैंने कहा ये जो मेरा मैं चाहता हूँ ये जो स्पैन टैग है जिसको मैंने फर्स्ट जो स्पैन टैग है जिसके अंदर लिखा हुआ है वेलकम टू, इसको मैं चाहता हूँ कि ये जितनी मेरी पेरेंट की डिव है उसकी जितनी विर्थ है उतनी ही विर्थ इसकी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक सेट कर दिया। अब आपको ज़रा गौर करना, अब ये क्या होगा, रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें आपने गौर किया वेलकम टू जो पहला मेरा टेक्स्ट था वो उसने पूरी पूरी विर्थ ले ली है। ओके, तो ये मुझे नहीं चाहिए, इसे मैं बंद करता हूँ विजुअल स्टूडियो को। ठीक है, देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे ये करना है कि इसका मार्जिन सेट करना है। तो मैंने कहा मार्जिन बॉटम सेट कर दो 20 पिक्सल, मीन नीचे की तरफ जो मार्जिन है वो 20 पिक्सल सेट कर दो। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे ये करना है इसकी लेटर स्पेसिंग सेट करनी है। तो मैंने कहा लेटर जो स्पेसिंग है वो 25 पिक्सल सेट कर दो। ठीक है, ये मैं किसकी सेट कर रहा हूँ, ये मैं इस वेलकम टू की कर रहा हूँ। ये रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें वेलकम टू, अब किसी शॉर्ट टेक्निकल पे मुझे स्टाइलिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने कहा डॉट जो मेरी टेक्स्ट क्लास है डॉट उसके अंदर जो टेक्स्ट टू क्लास है उसका जो फॉन्ट का साइज़ है वो कितना सेट कर दो, फॉर एग्ज़ाम्पल 25 पिक्सल सेट कर दो। ठीक है, और उसके लेटर के दरमियान जो स्पेसिंग है लेटर स्पेसिंग वो 5 पिक्सल सेट कर दो। ठीक है, और यहाँ तक ठीक है। ओके, यहाँ पर मुझे यही इतना चाहिए। ओके, तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर एनिमेशन लगाने लगाऊँ, तो चलें देखें ज़रा। एनिमेशन लगाने के दो तरीके होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनिमेशन बनाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था और आज स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले हम लगाते हैं एनिमेशन बनाने के लिए एट द रेट का साइन और आगे लिखते हैं की फ्रेम्स। ओके, की FREMES फ्रेम्स। ओके, ये लिखने के बाद हम अपनी एनिमेशन का जो भी नाम रखना हो वो हम नाम यहाँ पे सेट करते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे TXT टेक्स्ट नाम रख लेता हूँ। देन उसके बाद दोस्तों एनिमेशन बनाने का मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया दो तरीके होते हैं। एक तरीके का ये होता है कि आप अपनी एनिमेशन के दो पार्ट बनाएं। ठीक है, कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है। ठीक है, दो पार्ट। ठीक है, अपना दो पार्ट इस तरह से, अपना सोर्स और अपनी डेस्टिनेशन, ये दो पार्ट हो गए, सोर्स डेस्टिनेशन। तो वो अगर हमने सिर्फ अपने एनिमेशन में दो ही पार्ट रखने हो, सोर्स का और डेस्टिनेशन का, तो फिर हम लिखते हैं फ्रॉम, कहाँ से शुरू करें। ठीक है, मीन जहाँ से शुरू करें तब क्या हो, और देन टू मीन कहाँ तक जाए। ठीक है, तो ये आपके दो पार्ट बन गए, एक फ्रॉम का और एक टू का। ठीक है, तो ये दो पार्ट बनाने, अगर आपने एनिमेशन के दो पार्ट बनाने हो तो फिर हम लिखते हैं फ्रॉम और टू। ठीक है, तो फ्रॉम की अपनी कोडिंग अपनी डिजाइनिंग होती है और टू की अपनी स्टाइलिंग होती है। ठीक है, डिजाइनिंग या स्टाइलिंग जो भी आप, और इनकी अपनी अपनी बॉडी भी होती है। अब फ्रॉम की बॉडी में आप क्या करना चाहते हो ये आपको पता है, टू की बॉडी में आप क्या लिखना चाहते हो ये भी आपको पता है। ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा रेफरेंस देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि फ्रॉम मीन जब मेरी एनिमेशन स्टार्ट हो तो उसका जो ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म के अंदर सब प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसलेट,
और ट्रांसलेट कौन सी एक्स एक्सिस पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे नहीं, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ ट्रांसलेट एक्स एक्सिस, ठीक है, ट्रांसलेट एक्स कितना हो माइनस 80 पिक्सल, ठीक है, माइनस 80 पिक्सल हो जाए, ओके। और देन मैं जाता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी नहीं बल्कि एक और चीज़, सॉरी यार, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आना, सेमी कॉलन बाहर आएगा यहाँ पे। और मैं जाता हूँ इसका जो कलर है वो क्या हो जाए, वो हो जाए फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का, तो मैं यहाँ पे ये मेरे पास कलर है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे भी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। लेकिन टू में क्या करूँगा, मैंने कहा टू में जब ये जाए तब ये ट्रांसलेट माइनस 80 पिक्सल नहीं हो बल्कि पॉजिटिव 80 पिक्सल हो, ओके। और ये जो इसका कलर है वो भी चेंज हो जाए जब ये टू मीन जहाँ पे ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे। कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये एनिमेशन आपकी तैयार हो गई है, ठीक है, दो पार्ट की। अब इसके अलावा दूसरा तरीका कर गया वो भी मैं आपको बताता हूँ पहले ही, लेकिन ये हम पहले कंप्लीट कर लें, ओके। अब एनिमेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एनिमेशन का नेम हो सकता है, एनिमेशन की ड्यूरेशन हो सकती है, एनिमेशन का डिले हो सकता है, तो स्टेप बाय स्टेप सारे बताता हूँ आपको, ठीक है। एक होता है एनिमेशन का नेम, एनिमेशन नेम, एनिमेशन नेम वो जो अभी अभी आपने एनिमेशन तैयार किया उसका जो भी आपने नाम रखा है वो आपका एनिमेशन का नेम होता है, तो वही आप यहाँ पर लिखते हो। और एनिमेशन का नेम उसी मेन सेलेक्टर को आप देते हो जिसको आपने एनिमेशन देनी हो। तो मैं चाहता हूँ मैं एनिमेशन किसको देना चाहता हूँ, ये सिर्फ टेक्स्ट वन को, मीन इस वेलकम वेलकम टू को सिर्फ, ठीक है, खिजर शहाल टेक्निकल को मैं एनिमेशन नहीं देना चाहता, ठीक है। तो लिहाजा मैं इसी सेलेक्टर टेक्स्ट वन को जो कि एनिमेशन देना चाहता हूँ, तो लिहाजा इसी की बॉडी में आगे मैं एनिमेशन नेम दिया जो मेरी एनिमेशन का नेम है टेक्स्ट, ठीक है। देन हम बताते हैं दोस्तों एनिमेशन की ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मीन कि मेरी एनिमेशन अपना अपनी मीन मेरी एनिमेशन कंप्लीट होते हुए अपना एक चक्कर कंप्लीट करते हुए कितना टाइम लेगी, तो मैंने कहा दो सेकंड का टाइम लेगी, ठीक है। देन उसके बाद हम बताते हैं दोस्तों एनिमेशन डायरेक्शन, एनिमेशन डायरेक्शन मीन कि आपकी एनिमेशन किस तरफ मूव करेगी। तो डायरेक्शन, एनिमेशन डायरेक्शन में हमारे पास चंद एक डिफरेंट हमें CSS ने जो है बिल्ट इन वैल्यूज दी हुई हैं, एक अल्टरनेट, एक रिवर्स, एक अल्टरनेट रिवर्स। अब अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि जैसे जो चीज़ आगे की तरफ जा रही है वैसे ही उसी पाँव पे वापस भी आए, ठीक है, अल्टरनेट, यही मतलब होता है अल्टरनेट का। जबकि रिवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक दफ़ा वो फॉरवर्ड गई है देन नेक्स्ट टाइम वो बैकवर्ड आएगी ऑटोमेटिकली, ये रिवर्स का मतलब ये होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अल्टरनेट ही यूज़ करूँगा। देन उसके बाद डिले भी होता है, एक होती है हमारे पास प्रॉपर्टी एनिमेशन, एनिमेशन डिले, डिले का मतलब ये होता है कि मेरी एनिमेशन एक दफ़ा कंप्लीट होने के बाद देन दोबारा जब अपनी वर्किंग स्टार्ट करें तो कितनी देर लगाए, ओके, मीन कितना भी स्टे करे, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 0.5 सेकंड का स्टे करे, ओके। देन उसके बाद एक हमारे पास होता है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। अब एनिमेशन आइट्रेशन काउंट क्या क्या आता है, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट ये होता है कि आपने अपनी एनिमेशन को कितनी दफ़ा चलाना है, फॉर एग्जांपल 2 दफ़ा, इसके आगे सिर्फ आप वैल्यू बताते हो, तो मैंने कहा 2 दफ़ा, 5 दफ़ा, 45 दफ़ा, 100 टाइम, कितनी दफ़ा, ओके। तो एक आपके पास ये होता है तरीका कि आप वैल्यू दो, लेकिन अगर आप चाहते हो इनफिनाइट कि ये चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो उसके लिए हम आगे लिखते हैं एनिमेशन आइट्रेशन काउंट इनफिनाइट, कि चलते ही रहे, ओके। देन हमारे पास एक होती है एनिमेशन के साथ प्रॉपर्टी एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन असल में एक बिल्ट इन एनिमेशन हमें प्रोवाइड करता है जो कि है लीनियर, जैसे मैंने आपको ट्रांजिशन में बताया था लीनियर, ईज इन ईज आउट, ये चाहते हैं कि बिल्ट इन जो है ना टाइमिंग फंक्शन जो क्या करते हैं लीनियर अंदाज से चलता है, ईज ये करता है ईज, मीन डिफरेंट इनकी अपनी प्रॉपर्टीज है, तो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये भी आपके पास होता है, ये भी आप अगर चाहें तो आप यूज़ कर सकते हो। तो अब चले मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें दोस्तों, ये आप गौर कर रहे हो, ये आपकी एनिमेशन बिल्कुल रेडी है, और ये देखें ये आपका टेक्स्ट मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे ये फ्रॉम मीन ये देखें ये माइनस 80 पिक्सल पे जाता है और पॉजिटिव 80 पिक्सल पे, माइनस 80 पिक्सल पे और पॉजिटिव 80 पिक्सल पे, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये रनिंग कर रहा है, ओके। तो ये है एनिमेशन, ठीक है। अब इसका एक और तरीका कार भी होता है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मेरी जो ये टेक्स्ट है ना ये दो पार्ट में डिवाइड ना हो, ठीक है, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, बजाय फ्रॉम और टू के लिखने के आप क्या करोगे, आप सिंपल यहाँ पे
आप अपने पार्ट बनाने के लिए डिफरेंट पार्ट की वैल्यूज दोगे परसेंटेज के अंदर, ओके कि फॉर एग्जांपल इतने परसेंट, तो आपको पता है टोटल परसेंटेज की कितनी वैल्यू थी 100। अब इस 100 में आपने कितने डिवीजन करनी है, मीन कितने पार्ट बनाने हैं, उतने आप जो है ना परसेंटेज को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी एनिमेशन के 10 पार्ट बनाना चाहते हो, तो इसका मतलब है अगर 100 हमारे पास टोटल परसेंटेज होती है, तो अगर आपने 10 पार्ट बनाने हो तो आप कितने ईच परसेंटेज के पार्ट में कितना कितना फासला रखोगे। 10% का मीन फर्स्ट टाइम होगा 0%, एक पार्ट हो जाएगा 0%, देन दूसरा पार्ट क्या होगा 10%, तीसरा 20%, 30%, 40%, 50%, मीन 0% पे ये कैसे नज़र आए, 10% पे ये कैसे नज़र आए, 20% पे ये कैसे नज़र आए, 30 पे, 40 पे, 50 पे, 60 पे, 70 पे, अप टू सो ऑन, ओके। लेकिन मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं फ़र्क रखना चाहता, मुझे इतने ज़्यादा पार्ट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ सिर्फ पार्ट चार पार्ट रखना। तो फर्स्ट मेरा पार्ट होगा 0%, सेकेंड पार्ट होगा 25%, ठीक है, देन उसके बाद एक मेरा पार्ट होगा 50%। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये होगा 50%, ये 75% और ये 100%, ठीक है। तो ये अगर आपने मल्टीपल पार्ट बनाने हो तो आप परसेंटेज की हेल्प लेती हो, तो टोटल आपके पास परसेंटेज 100 होती है, तो ये आपको पता कि आपने कितने पार्ट बनाने हैं, तो उतना आप जो है ना मार्जिन सेट करोगे अपनी परसेंटेज का, ओके। तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट बना लिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ जी जब ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हो 0% पे ये -80 पिक्सल पे जाए, देन ये जब जाए 25 पिक्सल पे, देन ये 80 नहीं बल्कि -60 पिक्सल पे चला जाए, देन उसके बाद ये जाए माइनस और 20 पिक्सल पे, नहीं 20 नहीं, ये यहाँ पे 60 नहीं, यहाँ पे 20 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 40 पिक्सल, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 60 पिक्सल और यहाँ पे 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल ये मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, ये कर लिया। अब देखें ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं इसका थोड़ा टाइम भी बढ़ा देता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल 2 सेकंड की बजाय 5 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है, 5 सेकंड ज़्यादा हो जाएगा, ये मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 2.5 सेकंड, ठीक है, 2.5 सेकंड, ठीक है, मीन ईच को मैं 0.5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ये रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है, ओके। तो ये आप गौर करिए, ये आपका बन चुका है, कौन सा भला ये ज़्यादा ही कुछ टाइम ले रहा है, मैं इसे 5 सेकंड थोड़ा स्लोली चलाता हूँ, ठीक है, ड्यूरेशन इसकी बढ़ा देते हो, जैसे जैसे आप ड्यूरेशन बढ़ाते हो आपकी चीज़ उतना स्लोली चलती है, ठीक है। ये देखें ये अब आपकी ये आपके कलर भी चेंज होते रहे हैं, हो रहे हैं, ठीक है, तो इतने इतने परसेंटेज का फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये है, तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा कैसे हम एनिमेशन लगा सकते हैं, एनिमेशन के कौन से, हाँ एक चीज़ रहेगी वो मैं आपको जल्दी से बता दूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बजाय इसके कि आप चाहते हो मैं मल्टीपल लाइन्स यूज़ करने की बजाय क्या एक लाइन में नहीं सारा लिख सकता एनिमेशन की चीज़ें सारी सब प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, वो कैसे, आप सिंपल यहाँ पर लिखोगे एनिमेशन, ठीक है, ये लिख लिया, इसके आगे आप वो सारी वैल्यू जो आगे आप एक एक लाइन अलग अलग लाइन में लिखते थे अब एक लाइन में आप लिखोगे, वो कैसे, लेकिन आपका सीक्वेंस सेम होना चाहिए जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम बताते हैं अपनी एनिमेशन का नेम, ठीक है, एनिमेशन का नेम, देन हम बताते हैं अपनी एनिमेशन की ड्यूरेशन कि मेरी एनिमेशन कितना टाइम लेगी, तो मैंने कहा 5 सेकंड, देन दोस्तों हम बताते हैं एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन कि अगर आपने लगाना हो तो लगाओ, ना लगाना हो तो कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लीनियर, ठीक है। देन दोस्तों आप बताते हो अपनी एनिमेशन की डिले, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है, दो चीज़ें जो है रिक्वायर्ड हैं एनिमेशन लगाते हुए, दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक एनिमेशन का नेम और एक एनिमेशन की ड्यूरेशन, ठीक है, बाकी सारी की सारी ऑप्शनल हैं, ये आपकी मर्जी आप लगाओ ना लगाओ, ठीक है, लीनियर, लेकिन अगर आपने लगाना तो फिर सीक्वेंस यही होना चाहिए। तीसरे नंबर पे एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन, चौथे नंबर पे एनिमेशन का डिले कि कितना डिले करेगी, तो मैंने कहा 1 सेकंड का डिले करेगी, नहीं ज़्यादा हो गया, 0.5 सेकंड का डिले करेगी, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों हम बताते हैं अपनी एनिमेशन की आइट्रेशन काउंट, ठीक है, कितनी दफ़ा आपने अपनी एनिमेशन चलानी है, तो मैंने कहा 5 टाइम, ठीक है, 5 टाइम मैंने अपनी एनिमेशन चलानी है। देन उसके बाद दोस्तों आप बताते हो अपनी एनिमेशन की डायरेक्शन कि आपकी एनिमेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अल्टरनेट, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है अपनी एनिमेशन की सारी ये सारी चीज़ें एक लाइन में लिखने का, ठीक है, तो ये मैं लिख दी हैं। अब मैं आपको इस अगर इसको करके दिखाऊं तो ये आपको कुछ इस तरह नज़र आएगी, ये रिफ्रेश करता हूँ,
ठीक है। तो ये देखें, ये अभी भी आपकी काम कर रही है, क्यों? क्योंकि हमारा सीक्वेंस बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर सारा एनिमेशन का बताया। अब ये आप पे फुली डिपेंडेंट है कि आप कैसे अपनी एनिमेशन को एक अच्छी लुक दे सकते हो अपना जहन को इस्तेमाल करते हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और CS3 का कुछ नया सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।